press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अरे उठो, सुबह हो गई, उठो। अरे सोने दो। अरे उठो, क्या सुनो, वो शर्मा जी। अरे यार प्लीज शर्मा जी, शर्मा जी नहीं, शर्मा जी बिल्कुल नहीं, ये वही वाला है, एक्ट करने वाले हैं क्या, पहले वाला? अरे नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये दूसरा है, पक्का दूसरा है, एकदम पक्का दूसरा है, ठीक है। चलो भैया घबराना नहीं, ये दूसरा वाला है यार, पहला वाला नहीं है, ठीक है। चलो कट कट कट। गरम है, पी के देखो क्या 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 है, एक सेकंड रुको। अरे वो सब आप मुंह बाद में पूछ लेना, पहले ये देखो, ये देखो मुझे एक मैसेज आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। कल हम लोग नीचे बैठे थे ना, तो शर्मा जी ने, क्यों शर्मा जी की वाइफ ने मुझे बोला ये मैसेजेस आते हैं कुछ तो मोबाइल पे, और उसको लेने से बहुत प्रॉब्लम होता है। शर्मा जी ने भी बहुत प्रॉब्लम किया है। अभी अभी एपिसोड 2 के अंदर तेरे बोलने पे ही मैंने किया था, फिर वापस लॉस करवाना चाहिए। वो अलग था, वो छोड़ ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये चलो देखते हैं। अरे इसके बारे में बात करी, ठीक है भाई। अभी देख, ये आपके और मेरे देखने से तो होगा नहीं है ना, ये जो कस्टमर लोग हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी तो मालूम पड़ेगा कि मैसेज कैसा आता है, है कि नहीं? तो उनको बताते हैं, उनको पता चलना चाहिए मैसेज आ रहा है। भैया कैमरामैन जरा ये मैसेज पे फोकस कीजिएगा यार, ठीक है, ये मैसेज पे फोकस कीजिए, ये वाले मैसेज के ऊपर, ये देखिए मैं लाता हूं आपके सामने, इस पे फोकस कीजिए, दिखा आपको, ऐसा आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, ठीक है। अगर ऐसा मोबाइल में मैसेज आए तो उसको ध्यान देना, इसी पे आज का हमारा पूरा सेशन है, ठीक है। चलिए कट कर दीजिए कैमरामैन जी, कट कर दीजिए। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल, गोलमाल, सही बता। अरे नहीं यार, आज फिर नुकसान हो गया है। मजाक कर रहे हो? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, देख स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, 25,000 का नेट नुकसान है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? शर्मा जी वो टिप्स लिए, शर्मा जी छोड़, पहले ये टिप तुमने दिया था मुझे, मैंने थोड़ी दिया, सुबह सुबह उठा के तुमने मुझे बोला कि इस पे इस पे इस पे काम करो, गलती मेरे पे मत थोपो, काम तुमको करना नहीं आ रहा है, मैं क्यों? शर्मा जी यही मैसेज देख के, वो लास्ट टाइम में टिप्स देख के वो दुबई पहुंच गए, ये इसमें इतना प्रॉफिट करके बीवी को डायमंड का नेकलेस दिया, और तुमको जब भी मैं बोलती हूँ तब तुम नुकसान ही करते हो, तो प्रॉब्लम इनमें नहीं है, प्रॉब्लम शर्मा जी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। मुझे तो सच में शर्मा जी के साथ ही भाग जाना चाहिए था। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनी लॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शेयर मार्केट में जो आपके पैसे हैं उसे हम कैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोग देखोगे, बहुत सारे यूट्यूब पे एक ही हेडलाइन बना हुआ रहता है, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। कमाना जरूरी है, लेकिन जितना हम कमाने में ध्यान देते हैं उससे बहुत ज़्यादा गुना आपको बचाने में भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का जो हम लोग सर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो इसमें घोटाले होते हैं, ये जो बहुत स्कैम होता है, तो ये इसके बारे में हम आज जानेंगे संग्राम सर से। तो आइए जानते हैं सर से। सर, ये जो हमारे दर्शक हैं जो स्टॉक मार्केट में छोटे निवेशक होते हैं, उन्हें किन किन घोटालों से बचना चाहिए, तो क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? घोटाले मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैडम ने पूछा है। देखिए शेयर मार्केट में जैसा मैडम ने बताया अभी आप लोगों को कि कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन कमाने के बाद जो आपने इतनी मुश्किल से जो पैसे कमाए हैं
वो पैसे कमाने में आपने कितनी मेहनत की होगी, मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो वो जो पैसे आपने कमाए इतनी मुश्किल से, वो बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इस पैसे पे आप खुद नहीं जानते किस किन लोगों की नजर रहती है। इस मार्केट में कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं, और वो क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो स्कैम्स होते हैं, उस बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहला जो होता है, ठीक है, उसका नाम है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पंप एंड डंप ऐसा है कि कुछ ऑपरेटर्स, आप सबने ऑपरेटर्स के नाम सुने होंगे, ठीक है, कि ऑपरेटर ऑपरेटर काम कर रहा है, ऑपरेटर ये कर रहा है, ऑपरेटर वो कर रहा है। तो होता ही है, ऑपरेटर क्या है, जो इनलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते, ऐसे स्टॉक के अंदर कुछ बड़े बड़े निवेशक जो होते हैं, जो मतलब गलत लोग होते हैं, उन लोग उसके जो स्टॉक्स हैं उसको खरीद लेते हैं, ठीक है, उसके जो स्टॉक्स हैं उसको खरीद लेते हैं, और उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, चार पांच लोग मिलकर उसको खरीद लेते हैं। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग आपस में ही उसको खरीदते बेचते। अगर मान लो वो स्टॉक का दाम 100 रुपए था, उन्होंने 100 रुपए पे उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड स्टॉक नहीं है, वो बहुत ही इनलिक्विड स्टॉक है, उसके अंदर वॉल्यूम कम होते हैं, खरीद ली। अब उसके बाद उसको उन लोग 500, 600, 700 तक लेके जाते हैं, आपस में ही खरीदते बेचते उन लोग उसको 700 रुपए तक लेके जाते हैं। 700 रुपए जाने के बाद क्या होता है कि उन लोग वहां पे आपको ना मैसेज सेंड करना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा गैग था, अगर आपने उस गैग में वो मैसेज देखा हो, ठीक है, आपको एक मैसेज आता है, वो मैसेज आएगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा शेर खान का मैसेज आया है या रिलायंस कैपिटल का, ऐसे किसी बड़ी कंपनी से आएगा, लेकिन वो एक्चुअली उनका नहीं होता है, और उनके स्पेलिंग्स भी आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग रहेगा। वीडियो को वापस देखेगा जो आपको वीडियो शो किया था गैग के अंदर, उसमें देखेगा उनका जो स्पेलिंग रहेगा वो थोड़ा गलत रहेगा, और वहां पे वो लिखा रहेगा मतलब आपको कैसे उन लोग आपको ना मतलब आकर्षित करते हैं। वो आपको बोलेंगे कि फलाना फलाना स्टॉक है, उसमें एक बड़ी कोई कंपनी होगी, वो उसके स्टॉक को खरीदने वाली है, उस कंपनी को खरीदने वाली है, उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाली है, और जैसे ही वो हिस्सेदारी बढ़ाएगी तो क्या होगा, वो आपको बोलेंगे इसमें अपर सर्किट लगेगा, यूसी लगना शुरू हो जाएगा और आपका पैसा बढ़ेगा। और एक दिन उन लोग वैसा, आपको जो मैसेज आएगा ना उसके अगले दिन उन लोग वैसा होता हुआ दिखाएंगे भी, क्योंकि उन लोग आपस में ही कर रहे हैं। आपको अगले दिन पहला मैसेज आया वो सबको भेजेंगे, वो मैसेज सबके पास गया, जाने के बाद उन लोग क्या करेंगे कि अगले दिन आपको वो ऊपर जाता हुआ दिखाएंगे। तो अगले दिन आप देखोगे कि उस स्टॉक के अंदर 10% का सर्किट लग गया, वो ज्यादा बड़ा सर्किट नहीं होगा, 10% सर्किट होगा, पूरा ऊपर चला गया या 20% सर्किट लग गया। आपको लगेगा अब आपने वो मैसेज देखा था, आप वो मैसेज देख के सोचोगे यार ये बात तो सही है, मुझे कल ये मैसेज आया था और मैंने अगर आज ट्रेड कर लिया होता तो मेरे को आज 20% का प्रॉफिट हो जाता। अब आपको फिर वापस वो मैसेज आएगा, आप अब की बार जब आप वो मैसेज देखोगे तो आप सोचोगे कल ये मैसेज आया था ऊपर जाने का और 20% का सर्किट लगा था, फिर मैसेज आया आज भी जाएगा, तो फिर आप उसके अंदर पोजीशन ले लोगे। और आपके पोजीशन लेने के बाद ऐसे वो सबको मैसेज सर्कुलेट करते हैं, बहुत सारे लोग उस कंपनी के अंदर अपना पोजीशन ले लेंगे। तो पोजीशन लेने का मतलब उन लोग खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब कौन बेच रहा है, यही लोग जो 100 रुपए पे जो इन्होंने लिया था ये आपको 700 रुपए के माल पे दाम पे अपना माल आपको धीरे धीरे चिपका के निकल जाएंगे, ठीक है, आपको वहां से बेच के वो लोग निकल जाएंगे और आपको वहां पे फंसा देंगे। और जैसे ही आपसे आपने वो खरीद लिया, आप उसके बाद देखोगे डेली उसके अंदर लोअर सर्किट लगेगा और उसके दाम जो है धीरे 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 घटते जाएंगे। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं तो आप सब लोग जाके BRFL का चार्ट एक बार देखिएगा, उसके मैसेजेस मेरे को भी आए थे, BRFL के मैसेजेस मेरे को भी आए थे, इसके चार्ट को जाके देखिएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब वहां से कैसे गिरा कुछ। मेरे ख्याल से मुझे उसके जो मैसेज आए थे, मुझे एग्जैक्ट दाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ शायद 200 के ऊपर था उस समय मुझे मैसेज आए थे, और आज देखिए मतलब उसके दाम कहां तक पहुंच गए। तो ये एक तरीका है, इसलिए इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पहले पंप करते हैं उन लोग आपको, मतलब इतना उकसाएंगे मैसेज भेज भेज के कि आपको लगेगा कि हाँ भाई सही है, और उसके बाद उन लोग अपना सारा माल जो है वो डंप कर देते हैं, आपको दे देंगे और वो सारे निकल जाते हैं। तो ये एक ऑपरेटर का एक तरीका है ऐसे काम करने का। तो
आपको कभी भी ऐसे कोई भी मैसेजेस आए या कुछ भी आए उस पे कभी भी भूल के ट्रेड ना करें, ठीक है, ऐसे ट्रेड से बच के रहें, ठीक है। आइए अभी दूसरे चीज पे चलते हैं। दूसरा जो तरीका है घोटाले का, दूसरा घोटाले का तरीका है, ये हमने हमारे जो पहला हमने जो एक वीडियो बनाया उसमें डिस्कस किया हुआ है, ये है कि स्टॉक मार्केट के टिप्स जो आपको कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, स्टॉक मार्केट के टिप्स जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं वो है, अगर आपने वो नहीं देखा है हमारा एपिसोड तो हमारा एपिसोड नंबर 3 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने ये सेकंड घोटाले के बारे में बात की है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बात की है तो इस वीडियो में उसको दिखा के मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद करूं, क्योंकि ऑलरेडी समय ज्यादा होता जा रहा है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। दूसरा मैंने बता दिया, आप वो वीडियो में देखिएगा एपिसोड नंबर 3, ठीक है, उसको जरूर जाके देखिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं उसका मतलब लास्ट में डाल दूंगा तो आप वहां पे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है कि आपके जो बेहतरीन एनालिस्ट होते हैं, मतलब जो कोई बड़े बड़े गुरु होते हैं, ठीक है, ये भी एक्चुअली पंप एंड डंप की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि जो आप टीवी पर बड़े बड़े एनालिस्ट देखते हो, टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं, उनके साथ वो कंपनी वाले सेटिंग करते हैं, ऑपरेटर सेटिंग करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, कुछ शेयर्स दे देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक ऑपरेटर हूं तो मैं जाके किसी अच्छे एनालिस्ट को बोलूंगा, भाई एक काम करो, ये मैं आपको 100 शेयर देता हूं, आप मेरे से 100 शेयर लीजिए और उसके बाद आप इसका रिकमेंडेशन दीजिए टीवी पे कि ये शेयर जो है अभी 500 रुपये का है और ये शेयर अभी से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कम से कम 2000 का हो जाएगा, और जब वो प्राइस ऊपर जाएगा तो आप अपना शेयर 2000 पे बेच दीजिए। तो वो आपको ऐसा रिकमेंडेशन देने को बोलेंगे, किसको, जो टीवी के जो बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़े एनालिस्ट समझते हैं उनको। अब होता क्या, जैसे मैंने बताया वो जो टीवी के जो एनालिस्ट रहेंगे उनको वो 100 या 500 या 1000 शेयर या 10000 शेयर कुछ दे देते हैं, भाई आप हमसे ले लो, आप ये बोलो कि 2000 तक जाएगा, तो आपने वो शेयर 500 रुपए के रेट पे लिया है, मतलब आपने, मतलब वो एनालिस्ट ने, अब वो जब 1000 रुपए के करीब जाएगा तो उसको बोलेंगे अपना बेच के निकल जाए। तो वो सोचो, वो टीवी एनालिस्ट जो है जो आपको बता रहा था टेक्निकल एनालिस्ट, उसका 500 से वो 1000 पे जाके अपना प्रॉफिट करके वो निकल जाएगा और आपको वहां फंसा देगा। तो एक ये भी स्कैम होता है, तो इसलिए आप कभी कभी देखोगे, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है एपिसोड नंबर 2 पे, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। इसमें आपको जो एनालिस्ट हैं, मतलब आप देखें बहुत सारे एनालिस्ट, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगा, उन लोग आपको बोलेंगे भैया आप ये स्टॉक खरीद लें और आपको बहुत लंबे लंबे टारगेट देंगे, ये आपका मल्टीपैकर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, और आप उसे खरीद लोगे और वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आप देखेंगे उसके बाद से वो एक बार जब गिरेगा तो वो मतलब अभी पानी भी नहीं मांग रहा है, उसका खेल खत्म हो गया, उन सबने अपना प्रॉफिट लेके बुक करके निकल गए। तो आप ये वाले चीज से भी जरा बच के रहें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसी चीजें बताई है, पंप एंड डंप बताया है जिसमें आपको ध्यान देना है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक एडवाइजरी कंपनीज होती हैं जो आपको स्टॉक के टिप्स प्रोवाइड करती हैं, फोन आते हैं आपको और वो करके आप अपने पूरे कैपिटल बर्बाद कर देते हैं, तो उससे भी बचिए, एपिसोड नंबर 3 जरूर देखिएगा। और तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया कि टीवी के जो एनालिस्ट होते हैं आप उनकी बात सुनिए लेकिन अपने हिसाब से, अपने सेटअप से काम कीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, सिर्फ ब्लाइंडली काम मत कीजिए, खुद से टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और अपने पैसे को बढ़ाइए। इन तीनों स्कैम से बचें, अपने पैसे को बचाएं, ग्रो करें। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन कौन से घोटाले होते हैं मार्केट में। तो अगर आज का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और याद रखें ये जो हमारा चैनल है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। बाय बाय।